दरभंगा में भी थमी कोरोना की रफ्तार, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार दरभंगा में भी आज एक दिन में कोरोना के 6 नए मरीज मिले। कोरोना का आंकड़ा धीरे धीरे दरभंगा में भी खत्म होते जा रहा है। वार्षिक बजट की समीक्षा आज पटना में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वर्ष 2020 से 2021 के बजट में व्याप्त विसंगतियों के निराकरण के लिए 30 जून को राज्य सरकार की शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों की बैठक विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ पटना स्थित सचिवालय में होगी। इससे पहले शिक्षा विभाग ने कुल सचिव को पत्र लिखकर इस बैठक में भाग लेने के लिए स्वयं सहित वित्त परामर्शी एवं वित्त अधिकारियों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। मालूम हो कि इन विसंगतियों के कारण विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारियों के पेंशन भुगतान में कठिनाइयां होती रहती है। पहले कार्यरत और सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारियों को एक साथ वेतन पेंशन भुगतान होता रहता था, लेकिन पिछले करीब 6 माह से पेंशन भोगियों को पेंशन भुगतान में राशि की कमी के कारण लगातार विलंब होता जा रहा है। वर्तमान में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों को मई का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। बताया जाता है कि बजट में विसंगतियों को दूर होने से इस समस्या का निदान होने की संभावना है। बैठक के संबंध में मंगलवार को पूछे जाने पर कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने इसकी पुष्टि की। जून में सामान्य से 205% अधिक वर्षा, डॉक्टर मनोराज। दरभंगा जिले में वर्ष 2020 की भांति इस वर्ष भी जून में सामान्य से अत्यधिक वर्षा हुई है, जो इस माह में मंगलवार तक 381.3 मिमी वर्षा हुई है, जो 30 वर्षों की सामान्य बारिश से 205% अधिक है। भारत मौसम विभाग के अनुसार दरभंगा में जून में औसतन 125.2 मिलीलीटर वर्षा होती है, पर पिछले 2 वर्षों में हुई वर्षा ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये बात मंगलवार को हिंदुस्तान से विशेष बातचीत में लनामी वीवी के भूगोल विभाग से सहायक प्रोफेसर तथा इंडिया मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी के आजीवन सदस्य डॉक्टर मनुराज शर्मा ने कहा कि उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 20% अत्यधिक वर्षा हुई है, जो भौगोलिक चिंतन का विषय है। दरभंगा के अलावा इस वर्ष अरवल, भभुआ, गोपालगंज, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, पश्चिम चंपारण, पटना, समस्तीपुर, सारण, वैशाली और सीतामढ़ी में 200% से अधिक वर्षा की वृद्धि देखी जा रही है। इस वर्ष बिहार में दरभंगा से सहित 30 जिलों में लाट एक्सप्रेस 60% से अधिक अतिरिक्त वर्षा की प्राप्ति हुई है। नगर प्रभारी बने एहसास अख्तर खारूमी। प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला स्तर पर संगठन की मजबूती के लिए जदयू जिला अध्यक्ष सह बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने वरीय उपाध्यक्ष एजाज अख्तर खान रूमी को नगर प्रभारी का दायित्व सौंपा है। नगर का प्रभारी बनाए जाने पर रूमी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा तथा जिला अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा करके नई जिम्मेदारी दी है, मैं उस कार्यकर्ताओं के सहयोग से निष्ठापूर्वक पूरा करूंगा। उनके मनोनयन पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य जाने वाले ने उन्हें बधाई दी है। सड़क व नाला निर्माण को विधायक को सौंपा ज्ञापन। प्रोफेसर कॉलोनी बावली पोखर मौलागंज प्रेमसा के घर से राम बहादुर पंडित मेन रोड के घर तक सड़क और ढक्कन के साथ नाला निर्माण के लिए लोगों ने विधायक संजय सरावगी को ज्ञापन सौंपा। मोहल्ले के लोगों ने ज्ञापन में कहा कि यह मोहल्ला शहर के माध्यम से अवस्थित है तथा घनी आबादी वाला है। बरसों से सड़क एवं नाला टूटा हुआ है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नाला टूटा होने के कारण गंदा पानी सड़क पर ही जाम रहता है, इससे दुर्घटना भी होती है, साथ कई तरह की बीमारियां भी फैलने का भय बना रहता है। शिष्टमंडल में चमक लाल पंडित, प्रोफेसर श्याम चंद्र गुप्ता, प्रोफेसर संजय चौधरी, प्रोफेसर जवाहरलाल चौधरी, प्रोफेसर विनोद कुमार, मोहम्मद जुबैर खान, प्रोफेसर एन के गुप्ता, डॉक्टर मनोज कुमार, रघुनाथ प्रसाद आदि शामिल थे। नगर विधायक ने आश्वासन दिया कि 2 महीने में सड़क एवं नाला का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए न्यूज वीडियो लाते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सुबह सुबह सबसे पहले न्यूज आप देख सके। जिले के स्कूलों में जमा होंगे 3068 यूडाइस प्रपत्र। जिले के प्रारंभिक से लेकर उच्च विद्यालय तक की ओर से यूडाइस प्रपत्र जमा करवाने के लिए शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा अभियान संभाग सक्रिय हो गया है। मंगलवार को शिक्षा भवन में जिले के नव उच्च विद्यालय एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय में नए ढंग से यूडाइस कुल के कोड को लेकर जानकारी उपलब्ध कराई गई है। MIS प्रभारी MK शाही ने कहा कि जिले के सभी कोटि के विद्यालयों की ओर से वर्ष में एक बार यूडाइस प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर जमा कराया जाता है।
श्री शाही ने बताया कि अभी तक 3068 यूडाइस प्रपत्र को वितरण किया जा चुका है। यूडाइस प्रपत्र भरने को लेकर पूर्व में ही शिविर का आयोजन किया गया था। श्री शाही ने कहा कि अभी तक 500 से ऊपर यूडाइस प्रपत्र विद्यालयों की ओर से पूर्ण रूप से भरकर जमा चुका कराया जा चुका है। 187 प्रोग्रेसिव में है। लॉकडाउन को लेकर कार्य बाधित हुआ है लेकिन प्रगति पर है। मालूम हो कि सरकारी विद्यालय की ओर से यूडाइस प्रपत्र अनिवार्य रूप से भरकर जमा किया जाता है। वहीं निजी स्कूल विभाग की ओर से बार बार स्मरित किए जाने के बावजूद समय पर यूडाइस प्रपत्र जमा करने में रुचि नहीं दिखाते हैं। श्री शाही ने बताया कि अगर निजी स्कूल यूडाइस प्रपत्र भरकर जमा नहीं करते हैं तो उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। रेप कांड के आरोपित को करे गिरफ्तार एसएसपी। एसएसपी बाबूराम ने महिला थाने को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांडों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित कांडों का जल्द निपटारा करने का आदेश थानाध्यक्ष को दिया। उन्होंने बताया कि महिला थाने में बीएसएनएल नेटवर्क की वायरिंग का काम नहीं हुआ है, उसके लिए भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में कई थानों में सीसीटीएनएस की व्यवस्था है, इसके माध्यम से थाने में दर्ज प्राथमिक इत्यादि को ऑनलाइन अपडेट किया जाता है। इसके लिए उन्होंने महिला थाना अध्यक्ष को अन्य पुलिस कर्मी को प्रशासित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि महिला थाने में मुख्य रूप से रेप कांड का दर्ज होता है। इस कांड में गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया। बताया कि रेप कांड के अभियुक्ति जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के होते हैं। उस थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष को गिरफ्तारी में सहयोग करने के लिए पत्र लिखने का निर्देश दिया है। आगामी अपराधी गोष्ठी में इस बात की समीक्षा की जाएगी कि महिला थाना द्वारा क्या कार्रवाई की गई, वो अभियुक्ति के थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष ने क्या कार्रवाई की। कोविड-19 मेगा वैक्सीनेशन शिविर 1 जुलाई को 10,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित। हायाघाट में 1 जुलाई को कोविड-19 मेगा वैक्सीनेशन शिविर को लेकर प्रखंड प्रशासन ने पूरी अपनी मेहनत झोंक दी है। प्रखंड मुख्यालय स्थित ट्राइसम भवन में बीडीओ राकेश कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड के विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों, कर्मियों, विकास मित्रों, बीआरपी, सीआरसीसी, पंचायत सचिवों समेत स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के साथ बैठक की गई है। बैठक को राकेश कुमार ने कहा कि 1 जुलाई को कोविड-19 मेगा वैक्सीनेशन शिविर में 10,000 लोगों को वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना है। इसके लिए प्रखंड क्षेत्र में 40 नियमित टीका केंद्र बनाए गए हैं। कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रहेंगे लोग। इस वैश्विक बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन लगवाना सभी के लिए जरूरी है। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बसंत कुमार पंचानंद, बीडीओ कमलचीत चौधरी, बीडीओ गन्नौरी प्रसाद, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी नवीन कुमार झा, जीविका बीपीएम संजीव कुमार, बीआरपी रिजाउल्लाह, पंचायत सचिव कुमार कुमुद कुमार, शिवनाथ मंडल, राम बालक याद आदि वो मौजूद थे। डीएमसीएच में चौकी लगाकर हॉस्टल से आ जा रही है छात्राएं। भीषण बारिश से डीएमसीएच पानी हो गया है। पूरा परिसर जल जमाव की चपेट में आ गया है। मेडिसिन विभाग की स्थिति सबसे बदतर नजर आ रही है। अस्पताल अधीक्षक कार्यालय के चारों तरफ 2 से 3 फीट पानी जमा है। मुख्य सड़क से लेकर वार्डों में जाने वाले रास्ते पानी में डूब गए हैं। इस परिसर से जल निकासी के लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से लगाए गए पंप सेट भी कोई विशेष अंतर पड़ता नहीं दिख रहा है। शिशु रोग विभाग, गायनी सहित पाड़िया तमाम विभाग में जल जमाव हो गया है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।